भैया ये माशाल्लाह से रेड पाइड का एक पेयर है। सही, तो रेड पाइड का बड़ा पेयर तकरीबन 40-45 फिलहाल इस रेट पे जा रहा है, और जो डायमंड पाइड की इसके साथ फीमेल है और ब्लू पाइड की मेल है। तो ये शरोज भाई ये पेयर कौन सी नस्ल में? ये कॉमन ज़ेब्रा है, जो पहले आपको दिखाई ना व्हाइट ज़ेब्रा। जी जी, लेकिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पेयर है। हाँ जी, इनकी माशाल्लाह काफी आई है दूसरी कॉमन की ग्रीन बैग की रेड रेड की ठीक है। ये ब्लैक कलर ना येलो बैग के अंदर इसकी काफी अच्छी मार्केट जा रही है। ये बहुत यानी कि कम लोगों के पास ये देखनी है। तो मेल की रिबन होगा और फीमेल जो होगी वो क्लियर होगी। जब तो कॉमन का है, लेकिन इसके अंदर से मुझे अल्बाइनो भी बच्चे आए हैं, शाफी है, येलो बैग भी है। ये सारी होम ब्रीड के पीसेस छोड़े हुए हैं। ये पेयर मेरे लिए काफी यानी कि कह लो कि लकी साबित हुआ है। इसके अंदर से मुझे अल्बाइनो के चिक्स आए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे ना मैं ज्यादा पोस्टिंग करता हूँ गोल्डन, सारी जी जी। ये अभी मैंने आपको एक छोटा सा रूम दिखाया, इसके बाद ये देखें जी माशाल्लाह आगे। ये इधर उन्होंने पोस्टर सेक्शन जो बनाया हुआ ना, तो इसमें भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, आज मैं आया हूँ अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त शरोज भाई के सेटअप पे। तो अभी आप दोस्तों को इधर विजिट करवाते हैं सेटअप का, और बर्ड्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे, और आपको इधर से हर तरह के चिक्स गोल्डियन में और डव पाइड में हर तरह के मिल जाएंगे। तो जी चलते हैं, और आप दोस्तों से अभी इस मुकम्मल तफसीलात के साथ आज का व्लॉग शेयर करते हैं। माशाल्लाह शरोज भाई, हमें कौन कौन से इधर आपके सेटअप पे बर्ड्स हैं जो हमें दिखाएंगे? मेरे पास माशाल्लाह से गोल्डन के अंदर काफी म्यूटेशन रही हैं, जिसके अंदर येलो बैग, ग्रीन बैग, आगे ब्लैक हेडेड होगी, रेड एडिड होगी, ऑल म्यूटेशन है गोल्डन के अंदर ना। ब्लू गोल्डन भी हैं माशाल्लाह, सिल्वर गोल्डन भी हैं, इसके अलावा डव के अंदर भी काफ़ी म्यूटेशन है अलहमदिल्ला। रेड पाइड के अंदर हैं, ब्लू पाइड, डायमंड पाइड, आजकल तो खैर और रेड अंदर हैं, आजकल चीज़ों पर काफ़ी अरूज आ रहा है अलहमदिल्ला। तो हमें इनके चिक्स वगैरह भी अभी मिल जाएंगे या अभी इनकी ब्रीड लेट जी? चिक्स अलहमदिल्ला मिल जाएंगे आपको, गोल्डन के अंदर भी मिल जाएंगे, डव के अंदर, रेड पाइड के अंदर, ब्लू पाइड के अंदर, जो जो आपको बर्ड दिखाएंगे अलहमदिल्ला सब के चिक्स फिलहाल अवेलेबल हैं जी। तो आप दोस्तों से अभी टोटल वीडियो शेयर करने और आपको बर्ड भी दिखाते हैं, और आपको लास्ट पे कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे ताकि आप सरोज भाई से रابطہ कर सकते हो। हर तरह के बर्ड्स को आपको इधर से इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जी शरोज भाई, इस पेयर के बारे में हमें बताइए, और इनके चिक्स की क्या डिमांड चल रही है, कितने में तक आप सेल कर रहे हैं? भैया ये माशाल्लाह से रेड पाइड का एक पेयर है। सही सही। तो रेड पाइड का बड़ा पेयर तकरीबन 40-45 फिलहाल इस रेट पे जा रहा है, और जो चिक्स हैं इनके 11-12 यहाँ पे इनके ना पर पीस के हिसाब से मार्केट वैल्यू फिलहाल चल रही है जी। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह आपको ये पेयर भी नजर आ रहे होंगे, इनके आप साइज चेक करें लोगों के पास। माशाल्लाह पेयर फुल वाश है ना, डब के अंदर खास तौर पे पाइड के अंदर ना क्वालिटी मानी जाती है जो ज्यादा वाश हो। तो ये माशाल्लाह ये पेयर जो है माशाल्लाह काफी वाश हो गया, मजीद अब वाश होगा जैसे जैसे इनकी उम्र होगी ना, तो साथ साथ वाश होता जाएगा। तो जी शरोज भाई, इस पेयर के बारे में बताएं हमें, ये किस चीज में लगा हुआ है? ये माशाल्लाह ये डायमंड पाइड की इसके साथ फीमेल है और ब्लू पाइड की मेल है। तो ये पेयर डायमंड ब्लू लगाया मैंने ना, तो इसका ये है कि एक महंगा पीस है और एक सस्ता पीस है। इससे ये है कि आपको चिक्स जो है ना वो एक डायमंड आएगा और एक ब्लू आएगा। अगर ब्लू टू ब्लू भी लगाए ना, तो फिर भी दो यानी कि एक डायमंड और एक ब्लू आएगा। तो इसके साथ ये है कि आपकी पेयरिंग भी बढ़ जाएगी और एवरेज भी बच्चों की। तो इनके चिक्स आप कितने में सेल कर रहे हैं? जो डायमंड पाइड का पीस है वो 3,000 रुपए पर पीस के हिसाब से जा रहा है, और जो ब्लू पाइड है वो 15,000 रुपए पर बर्ड के हिसाब से ना पट्टे का जा रहा है आज जी माशाल्लाह। तो जी शरोज भाई, ये पेयर कौन सी नस्ल में? ये व्हाइट ज़ेब्रा का पेयर है, व्हाइट ज़ेब्रा। इनकी आजकल मार्केट वैल्यू अच्छी जा रही है काफी ना माशाल्लाह। क्या इसके पेयर, इस पेयर के भी आपके पास? हाँ जी, इनके भी चिक्स अवेलेबल है माशाल्लाह, इनके भी चिक्स हैं काफी। तो ये वाला ये कॉमन ज़ेब्रा है, जो पहले आपको दिखाई है ना व्हाइट ज़ेब्रा, जी जी ये उसी के अंदर है। ये कॉमन ज़ेब्रा है यानी कि ग्रे कलर में। इनके भी चिक्स अवेलेबल हैं जी? इनके भी हो जाएंगे चिक्स इंशाल्लाह। स्टार फिंच है, ये भी चिड़िया के अंदर ही आ गई, तो ये भी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। ये वाली शरोज भाई, ये फान आउल है माशाल्लाह, फान आउल का ये पेड़ है। तो लेकिन इनकी ब्रीड नहीं मेरे पास आ सकी आई है, लेकिन बंगलाइज जो है ना वो इनके बच्चों को सही फीड नहीं करवा रही थी, जिसकी वजह से ना इनके अंदर काफ़ी गलती हुई है। तो जी ठीक हो गया। तो जी शरोज भाई, ये कौन सी नस्ल में? ये माशाल्लाह येलो बैग का पेयर है गोल्डन के अंदर, रेड हेडेड का मेल है व्हाइट चेस्ट के अंदर, और फीमेल जो है ऑरेंज हेड पर्पल चेस्ट के अंदर है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पेयर है। हाँ जी, इनकी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती है जी।
तो शरोज भाई इस पेयर के बारे में भी हमें थोड़ी तफसील। ये वही जो पहले आपको दिखाया है मेल वही है, यानी कि रेडेड और वाइट चेस्ट के अंदर, और जो इसके अंदर फीमेल है ना वो मैंने लगाई है दूसरी कॉमन की ग्रीन बैक ही रेडेड के अंदर। तो शरोज भाई ये कौन सी है? ये येलो बैग के अंदर है ब्लैक रेड, देखने को तो इसका जो हेड है वो ग्रे कलर में, लेकिन जो इसको गोरे कहते हैं वो ब्लैक रेड कहते हैं। ये येलो बैग के अंदर ना ब्लैक रेड का ये पेयर है, मेल भी वही ब्लैक रेड का फीमेल भी वही। सही हो गया माशाल्लाह। इसमें सबसे रेट ज्यादा किस पेयर का जा? इसकी है ब्लैक गर्ल ना येलो बैग के अंदर, इसकी काफी अच्छी मार्केट जा रही है, ये बहुत यानी कि कम लोगों के पास ये देखनी है। तो माशाल्लाह। तो ये शरोज भाई कौन? ये कट थ्रोट के अंदर है, कट थ्रोट फिंच। तो इसके अंदर ये जो आप अभी वीडियो में दिखा रहे हैं ये रेड रिबन के अंदर ना, जो यानी कि गले के नीचे जो कट है ना इसका रिबन, ये रिबन जो मेल के बना होता है। हाँ, मेल के रिबन होगा और फीमेल जो होगी वो क्लियर होगी जी। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये जो हमारे घरों में स्पैरो होती है ना थोड़े से उसके, हाँ मिलते जुलते हैं उनके साथ जी जी। तो शरोज भाई ये तो येलो रिबन में लग रहे हैं। हाँ ये हुई उसी के अंदर आ गई, यानी कि कट थ्रोट के अंदर ये येलो रिबन के अंदर आ गई। इनके अंदर दो ही कलर होते हैं, एक येलो रिबन होता है और एक दूसरा ऑरेंज रिबन होता है, ये येलो कह लो जी जी माशाल्लाह। तो शरोज भाई ये कौन से हैं? ये शेफ केयर है माशाल्लाह ना, हेक्स लॉन्ग टेल भी इसी का नाम है, शेफ केयर ग्रास क्वीन, ये तीनों इसी के नाम। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और इनकी शूज बहुत खूबसूरत। हाँ जी माशाल्लाह खूबसूरत है ये। मेरे पास दरअसल पेयर तो कॉमन का है, लेकिन इसके अंदर से मुझे अल्बाइनो भी बच्चे आए हैं शेफ केयर के अंदर। तो क्या आप हमें अल्बाइनो के बच्चे दिखा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये वाले अल्बाइनो के हैं बच्चे? इसके अंदर ना ये जो व्हाइट कलर में ना शेफ के लिए जो फ्रंट पे आए हैं ये अल्बाइनो के हैं, ये मुझे कॉमन में से ही आए हैं, ये पेयर पीछे से कोई सिपलेट था इनका ना। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हीं के अंदर यानी ग्रे पेयर में से ये अल्बाइनो चिक्स आए हैं। ये टोटली इधर आपने चिक्स ही छोड़े हुए? हाँ यहाँ पे ये चिक्स ही हैं, ये तकरीबन सारे रेडी टू, लेकिन अब तो रेडी टू ब्रीड हो गए हैं, काफी दिन के छोड़े हुए हैं जी माशाल्लाह। तो शरोज भाई ये भी चिक्स ही हैं टोटल? हाँ जी, ये रेडी टू फर्स्ट ब्रीड अब पेयर हो गए हैं माशाल्लाह, पहली ब्रीड के लिए तैयार हो गए हैं। ये गोल्डियन के अंदर है पीसेस, यानी कि ब्लू गोल्डियन होगी जी जी माशाल्लाह, और दूसरी इसके अंदर सिल्वर गोल्डियन भी है, येलो बैग भी है, ये सारी होम ब्रीड के पीसेस छोड़े हुए हैं जी माशाल्लाह। तो शरोज भाई ये कौन से हैं? ये अल्बाइनो टू फॉन का पेयर लगाया हुआ है, फॉन शेफ केयर के अंदर अल्बाइनो की फीमेल है और फॉन का मेल है। तो फॉन में तो हमने रेट ज्यादा ही सुना है, तो दूसरे के लेकिन वो जावा के अंदर फॉन का रेट अच्छा है। अच्छा इसमें ये वो ये शेफ केयर है, ये और चीज है, इसमें कम है क्या? इसमें सेम है नहीं, ग्रे की निस्बत जरा इनका रेट अच्छा है जी जी सही, कॉमन की निस्बत। चलो माशाल्लाह। तो शरोज भाई ये वाला पेयर? ये पेयर मेरे लिए काफी यानी कि कह लो कि लकी साबित हुआ है, इसके अंदर से मुझे अल्बाइनो के चिक्स आए हैं माशाल्लाह, फॉन टू कॉमन का पेयर है जी जी माशाल्लाह। और जो आपको पहले चिक्स दिखाए हैं ना, इस ज्यादातर बच्चे नहीं किए हैं इसी पेयर की जी माशाल्लाह, ये भी काफी खूबसूरत पेयर है आपका माशाल्लाह। तो जी शरोज भाई ये टोटल इधर जो आपके पड़े हैं चिक्स हैं? ये माशाल्लाह सारे चिक्स ही हैं, ये ब्रीड है, होम ब्रीड है, ये येलो बैग के पट्टे हैं इसके अंदर, ग्रीन बैग के हैं जी जी, ये कलर निकाल रहे हैं माशाल्लाह सारे ना, आप देखेंगे आगे से जस्ट वॉश कर रहे हैं कुछ भी जी जी माशाल्लाह। ये आगे वाले केज में भी ये भी सारा वही पट्टा, ये आगे वाले में भी है, जो बैग पे हैं केजेस उनके अंदर भी यही है माशाल्लाह, 70-80 पट्टा पड़ा है जी जी माशाल्लाह। ओनली ये फॉर सेल है टोटल? ये फॉर सेल है सारा ब्रांड जी माशाल्लाह। तो जी शरोज भाई ये आपने इधर माशाल्लाह काफी बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, इधर कौन से आप? यहाँ पे ना मैं ज्यादा पोस्टिंग करता हूँ गोल्डन की, ये सारी बैंक लाइन लगी हुई है जी जी माशाल्लाह, नीचे डब लगी हुई है जी ठीक हो गया। इसके अंदर मैं डब की भी पोस्टिंग करता हूँ जी जी, यानी कि जो 1000 रुपए वाला पेयर है ना उससे मैं पाइट डब के बच्चे बनवाता हूँ, रेड पाइट, ब्लू पाइट, डायमंड पाइट, सारे मैच हो जाए ना तो मैं इनके नीचे अंडे पोस्ट कर देता हूँ, सारा फोर्सेस सेक्शन है यहाँ। तो शरोज भाई हमें अभी दिखाएं डब के नीचे जो आपने कोई फोस्टिंग की हुई है, या जो आपने बैंगलीज के नीचे कोई फोस्टर किए हुए हैं वो दिखा सकते हैं हमें क्या? अभी दिखा सकता हूँ गोल्डन के, तो माशाल्लाह ये है इधर अभी कुछ पड़े हैं पट्टे, क्योंकि आजकल सीजन ऑफ हो रहा है, गर्मी आ गई, गोल्डन की ब्रीड जो है ना वो बंद कर दिया, डब आगे स्टार्ट हुई जी ठीक है। गोल्डन के चंद एक पेयर के नीचे हैं, मैं साथ साथ बॉक्स उतार रहा हूँ बैंगलीज के ठीक है। ये माशाल्लाह रेड पाइट का चिक है इनके नीचे, पेयर कॉमन का है, जो बच्चा है उस वो इनके नीचे और ये दोबारा एक दे के बैठा हुआ। हाँ ये दोबारा लिंक फोरी तो लिंक कर देते हैं माशाल्लाह, ये ना जब बच्चा उतारें तो ये साथ नीचे ट्रे के ऊपर हम लिख देते हैं ना कि ये ब्लू पाइट की फोसिंग है, तो साथ साथ यानी कि डिटेल लिख देते हैं। इसके नीचे अब ये पेयर सादा है, इसके नीचे ब्लू पाइट के अंडे रखे हुए हैं जी जी, यानी कि 26 अप्रैल की इसके नीचे पोस्टिंग करी है जी ठीक। तो शरोज भाई ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये किस पेयर का? ये माशाल्लाह सिल्वर का बच्चा है, इसके जो बाप है वो सिल्वर प्योर का, और जो फीमेल है क्रीम की है जी जी, इनमें से ये बच्चा आया है प्योर सिल्वर, ये प्लेन के अंदर है, पाइट के अंदर नहीं है, पाइट की तो आजकल काफी मार्केट हाई हुई है जी जी। तो शरोज भाई ये तो माशाल्लाह
तकरीबन फुली व्हाइट हो चुका है पेयर आपका। हाँ जी, ये माशाल्लाह डायमंड वाइट का पेयर है और इसकी उम्र एक साल है। तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी ना तो ये वाश होते जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते होते हैं पीछे। जी माशाल्लाह। सरोज भाई ये कौन सी ब्रीड है? ये कैप डव है माशाल्लाह। इसके अंदर जो नर होता है ना उसकी टाई होती है, फीमेल प्लेन होती है। इनके चिक्स भी अवेलेबल है? हाँ जी, इनके भी बच्चे माशाल्लाह आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शादी डव के नीचे इनके दिन मैच करके ना तो उधर ही रख देता हूँ अंडे ना। ये दो पेयर हैं कैप के टोटल। तो सरोज भाई मैं देख रहा हूँ आपने जगह जगह पे ना कुछ कुछ आपने ऑस्ट्रेलियन भी लगाए हुए हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन जो है ना ये मेरा शौक है जी जी। यानी कि शेड के अंदर डव की इतनी आवाज नहीं होती, ना ही फिंजिस की इतनी आवाज है, ये रौनक मेले के लिए छोड़े हुए अंदर जी माशाल्लाह। तो सरोज भाई ये तो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन में बड़े साइज में काफी। हाँ जी, ये भी बस शौकिया तौर लेके आया हूँ, एक दोस्त के पास पड़ा था तो मैंने कहा यार मुझे दे दो। शेड की जो खूबसूरती है ना जी जी, ये ऑस्ट्रेलियन का फिर अपना ही मजा है, इनकी आवाज जो है ना वो बड़ी मजे की होती है जी जी माशाल्लाह। तो इधर तो माशाल्लाह सरोज भाई मैंने देख लिया कि कॉमन वाइट का आपने पेयर लगाया, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया है क्या इन्होंने ब्रीड की हुई है? हाँ जी माशाल्लाह, इन्होंने भी पिक्स निकाले हुए हैं अभी जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आजकल गर्मी के दिन है तो इन दिनों के अंदर ना इनकी ब्रीड अच्छी आती है जी माशाल्लाह। ये तो तकरीबन सेल्फ हो चुका है। हाँ जी, इधर इसके पे है और इधर एक और पेयर भी है यहाँ पे ना, दो पेयर लगाए हुए हैं बस शौक के तौर के ऊपर। इनकी माशाल्लाह ब्रीड आई हुई है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनमें एक दूसरा ग्रे में आया हुआ? हाँ, एक मेल ग्रे का और फीमेल कॉमन वाइट की है जी लड़ाई के अंदर। तो जी फ्रेंड्स माशाल्लाह सरोज भाई का माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है, अभी आपको मुकम्मल दिखाते हैं। तो उनमें से हमने आपको अभी चंद पेयर दिखाए हैं, मुकम्मल पेयर दिखाना ना नामुमकिन है, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। तो आप दोस्तों को दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह इधर गोल्डियन के और फ्रेंच के और उसके अलावा पाई डव के काफी पेयर लगे हुए हैं। ये देखें नीचे माशाल्लाह डव लगाई हुई है इन्होंने, तो नीचे वाले केज है। और ये आप देखें इस तरह माशाल्लाह, ये इधर भी केज लगे हुए हैं ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें माशाल्लाह। और यार इनकी विस्लिंग और आवाज़ बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही है, ये देखें इधर माशाल्लाह। ये अभी मैंने आपको एक छोटा सा रूम दिखाया, इसके बाद ये देखें जी माशाल्लाह आगे। ये इधर उन्होंने पोस्टर सेक्शन जो बनाया हुआ ना, तो इसमें भी माशाल्लाह काफ़ी चिक्स जो इनके पास आए हुए हैं अवेलेबल हैं वो भी पड़े हैं इधर, ये देखें माशाल्लाह। तो इधर टोटल जो सेटअप लगा हुआ है ना, इसमें ये अपने दूसरे अपने ब्रीडर्स के ना एक पोस्टर करके उनके चिक्स निकलवाते हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा सेटअप है। तो अभी वीडियो के एंड पे आप दोस्तों को सरोज भाई का नंबर भी लेके देंगे, तो इंशाल्लाह जिस दोस्त को भी चाहिए वो हर तरह के इंशाल्लाह आपको चिक्स मिलेंगे। ये देखें माशाल्लाह इधर भी लगे हुए पेयर, और ये देखें माशाल्लाह इधर ये डबल केज में लगे हुए, मैं आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ। ये देखें इधर माशाल्लाह, तो ये देखें जी इधर, तो ये देखें माशाल्लाह इधर काफ़ी लगे हुए। और ये पाई डव के जो पेयर है ना टोटल नीचे लगे हुए हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा सरोज भाई के पास पेयर लगे हुए हैं। तो ये देखें अभी इनके चिक्स भी छोटे छोटे बिल्कुल उधर निकले हुए हैं, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत पाए। तो सरोज भाई से करते अभी बात और आप दोस्तों को साथ नंबर भी शेयर कर। तो जी सरोज भाई बहुत मजा आया आपका सेटअप विजिट करके, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है, अल्लाह ताला और बरकत डाले भाई। ये आपका सेटअप तो इधर माशाल्लाह लगा हुआ है, आप दोस्तों को ये भी बता दें अभी किस जगह पे लगा हुआ, अगर कोई दोस्त इधर आके विजिट करना चाहे तो क्या कर सकता है वो? जी जी बिल्कुल, जो मेरी लोकेशन है ये किश्तियां जिला भावलनगर तो खैर आज तक काफी मशहूर है जी जी। ये मेरी लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट भावलनगर किश्तियां जी जी। तो क्योंकि किश्तियाँ और ये हमारे जो बैकवर्ड एरिया है इधर मैं कोई फिश के ऊपर इतनी क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं कर रहा। जी जी, मैंने भी पहली दफा माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ इधर, यहाँ पे ना जो मैंने ये स्टेप उठाया इधर। चलो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक और आपको तरक्कियां दे, बरकत अता फरमाए जी। तो जो विजिट करना चाहे दोस्त वो भी आ सकता है इधर विजिट करने के? विजिटर आए मोस्ट वेलकम जी माशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। तो सरोज भाई जिन हमारे कस्टमर्स को आपके इधर से शिक्स चाहिए होंगे तो उसका क्या तरीका कार है, किस तरह से वो आपसे रब्ता करें? वो मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको अपना शेयर कर देता हूँ जी, व्हाट्सएप का देंगे, व्हाट्सएप का व्हाट्सएप भी उसी के ऊपर है, कॉल कर रहे हैं जैसे बेहतर हो। तो जी माशाल्लाह आप 306 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, 0306-606-7474 जी ठीक हो गया, मेरा इसी के ऊपर व्हाट्सएप है जी ठीक, इसी के ऊपर यानी कि कॉल वगैरह कर सकते हैं मेरे पास। तो जो हमारे चैनल के थ्रू आएंगे उनसे कोई प्यार कोई प्यार मोहब्बत होगा उनके साथ, प्यार मोहब्बत होगा। तो जी ठीक हो गया माशाल्लाह सरोज भाई, बहुत मजा आया आपसे मिलके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके पास विजिट करेंगे जी।